हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ट्रिक्स आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 45, इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 111, इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 217, इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 455, और इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 955, और 80 to 100 सभी नंबर का सम हो जाएगा 1890। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम लोगों ने इन सभी नंबर का सम फाइंड कर लिया। तो इसके पीछे जो ट्रिक है अब हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर यहाँ 6 हैं, और 6 में अगर हम मिडिल वाला कोई नंबर लें तो कोई एक नंबर मिडिल में नहीं होगा, दो नंबर होगा मिडिल में। तो यहाँ दो नंबर मिडिल में कौन है? 7 और 8। तो 7 और 8 का सम क्या हो जाएगा? 15। और 15 को हम लोगों को क्या करना है? 15 को मल्टीप्लाई करना है। कितना से? तो टोटल नंबर जितना है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर कितना है? 6। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 45। दूसरा क्वेश्चन में भी टोटल 6 नंबर है, जैसे बताया वही करना है। 6 नंबर है, बीच का दो नंबर 19 और 18, 19 18 का सम कितना होता है? 37। और यहाँ है 6 नंबर, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11। यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने नंबर हैं? 3 3 6 1 7। तो जहाँ भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नंबर्स होंगे, यानी नंबर ऑफ नंबर्स ऑड होंगे 3 5 7 इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे? मिडिल वाला नंबर ले लेंगे। यहाँ मिडिल वाला नंबर 31 है, तो 31 को हम लोग को मल्टीप्लाई कितना से करना है? तो मिडिल वाला जब नंबर एक ही नंबर हम लोग को मिलेगा, तो टोटल नंबर जितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 31 को हम लोग मल्टीप्लाई करना है कितना से? 7 से। तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 217। उसी तरह हम लोग यहाँ से देखें, ये 3 3 6 3 9 10, टोटल 10 नंबर हैं। तो इसमें हम लोग मिडिल नंबर अगर लेंगे तो दो मिडिल नंबर होगा, तो 45 और 46। तो 45 और 46 का सम हो जाता है 91, और 91 को हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ 41 से 50 तक 10 नंबर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ इवन नंबर ऑफ टाइम नंबर्स आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 5। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 455। उसी तरह 91 से लेके 100 तक इन सभी नंबर का सम निकालना है। तो 91 से लेके 100 तक टोटल कितना नंबर है? 10 नंबर है। तो इसमें मिडिल नंबर्स 2 होंगे, यानी 95 और 96। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 191। और 191 को अगर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल 10 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5। यानी 191 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 9, तो 955। तो इसका सम हो जाएगा 955। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें 80 से लेके 100 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो 80 से लेके 100 तक टोटल कितना नंबर होगा? 21 होगा। तो 21, तो मिडिल वाला नंबर क्या हो जाएगा? तो मिडिल वाला नंबर हो जाएगा 90, ठीक है। और 90 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। अगर 90 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो 1890, यानी 1890, ये सभी नंबर का सम हो जाएगा 1890। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा ट्रिक हम लोगों ने सीख लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।